एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग. तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे. करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से. तो जी बज रहे हैं अभी सुबह के 10 और घर का सारा काम हो चुका है और काम करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट वाले काम भी करने हैं मुझे आज. तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अब मैं आज जो मेरे उलन के कुछ कपड़े हैं उनको रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि गर्मियाँ आ गई हैं और अगर ना मतलब फुल स्लिप वाले कपड़े भी पहनो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. तो अब हम सब लोगों ने लगभग हाफ स्लिप के कपड़े निकाल लिए, बट बच्चों का अभी नहीं निकाला क्योंकि मैं सोच चुकी एक बार पेपर हो जाए देन उनके बाद उनके भी फुल स्लिप के कपड़े रख दिए जाएंगे. तो आज का काम मेरा यही है कि मुझे अपने जो कपड़े हैं इनको रखना है एंड अपने बेडशीट जो संभाल के थे उनको भी रखना है. एंड उसके बाद 12 बजे मुझे जाना है अथर्व की मीटिंग में, क्योंकि आज है अथर्व की मीटिंग. एक्चुअल में अथर्व की हो रही है स्पेशल असेंबली स्टार्ट कल और परसों से. तो आज मैम ने मीटिंग करवा रखी, तो अभी 12 बजे सरोज जी आएंगे देन उसके बाद हम जाएंगे मीटिंग में. तो तब तक जितना हो सकता है उतना काम कर लेते हैं और उसके बाद सीधे मीटिंग में जाके अथर्व को लेके आएंगे और फिर मिलेंगे आपसे. तो स्टार्ट करते हैं इन कपड़ों को रखना. और देखिए कपड़ों का पूरा बहुत सागर रखा है. मतलब होता ही ऐसा है कि एक खरीद लो दो खरीद लो, हम सोचते हैं कि नहीं एक और खरीद लेते हैं ये अच्छा लग रहा है, तो कपड़े ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं. तो अब रखते हैं. देखिए इतने से ये इस टाइप के तो ना इसके लिए स्पेस भी इतना ज़्यादा चाहिए, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. और मेरे बेड में पता नहीं जगह होगी या नहीं, क्योंकि पिछले बार ही मैंने जो हमारे ब्लैंकेट्स थे वो सारे रख लिए थे. अब सिर्फ जो मेरे चादर बचे हुए हैं उनको मैंने रखने हैं, बेडशीट सारी मेरी. और मैंने कॉटन की बेडशीट निकालनी है क्योंकि गर्मी होने लग गई है. तो चलो स्टार्ट करते हैं काम. तो लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं अपने कुछ एक्स्ट्रा काम. तो सबसे पहले आज मैं कर लूँगी अपने जो उलन के बेडशीट हैं उन सबको फोल्ड करके उनको उनके बैग्स में डाल दूँगी. एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि आपको दिख ही रहा है अब हम सब हाफ में उतर ही गए हैं, तो समर सीज़न आ ही गया है और यहाँ पे गर्मी भी होने लग गई है. एंड जो मेरा रूम है ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि मेरे रूम पे ना सुबह 7 बजे भी धूप आती है और शाम के 6 बजे भी धूप आती है. तो दोनों साइड की जो विंडो है उससे इतनी धूप आती है और पूरा का पूरा जो मेरा रूम है वो गर्म रहता है. और अभी भी आप देख सकते हैं कि देखिए धुंध टाइप की आपको मेरे रूम पर दिखाई दे रही होगी, वो भी सूरज की किरणों की वजह से ही है. तो आज मैंने सारे के सारे बेडशीट रख दिए थे. और जो ये मेरे बेडशीट हैं वो मेरे देहरादून से मैंने लिए थे, जो बहुत ही अच्छे और यूनिक कलर में है. मतलब वो कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं जब भी हम बिछाते. तो ये बेडशीट मेरा लगभग 2 साल मैंने देहरादून पे यूज़ किया था, देन उसके बाद 2 साल मैंने अभी मऊ इसको यूज़ कर लिया. बट ये है कि हाँ बस मैं 2-3 ही मैंने यूज़ करे विंटर के सीज़न में, क्योंकि विंटर के सीज़न में ज़रूरत पड़ती है, समर के सीज़न में ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की. और यहाँ पे तो वैसे भी गर्मी है. बाकी जितने भी मेरे थोड़े बहुत जुड़न के कपड़े मुझे उस टाइम पर दिखाई दिए थे मैंने उसको भी बैठ के कवर्ड में डाल दिए थे. और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रखे हुए बैग. तो मैंने ना जो मेरा बेड है उसके जो कवर्ड है ना उसमें बैग रखा हुआ और बैग के अंदर ही मैं सारे अपने कपड़े डालते, जिससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे दीमक लग जाना या लकड़ी ख़राब हो जाती है तो इससे ही मतलब धूल तक्कड़ आ जाता है. तो इससे क्या होता है कि बैग अगर बंद रहेगा तो बैग के ऊपर ही आएगा जो भी आएगा, मतलब कपड़े ख़राब नहीं होंगे. तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ. और मैं इसमें हमेशा जब भी मैं कपड़े डालती हूँ तो कपड़े में कपूर की गोलियाँ हमेशा डालती हूँ, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है. और वो भी मैं इस तरीके से डालती हूँ उसको फोल्ड करके कपड़े में गांठ लगा के, ताकि और कपड़े ख़राब ना हो. तो ये देखिए मेरा बेडशीट भी अच्छे से बिछ चुका है. एंड उसके बाद मैं अपने पिलोज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी. बट क्या होता है ना इस बेडशीट को मैं कितना भी अच्छे से बिछाऊँ या कितना भी कुछ कर लूँ थोड़ी देर में इसको ख़राब होना ही होता है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं आपको पता ही बहुत ही ख़तरनाक है. अभी दोनों को दोनों स्कूल गए हुए हैं. और जैसे कि अथर्व की तो आज है पेरेंट्स मीटिंग और आदि का इस साल का लास्ट वर्किंग डे, सॉरी मतलब इस सेक्शन का इसका. तो अथर्व आदि का आज हाफ डे हो जाएगा तो आदि भी जल्दी आ जाएगा. तो और ये जो मेरी अलमीरा थी छोटी वाली इसके ऊपर भी ना बहुत गदर गदर बोलो तो, मतलब बच्चे ना जो चीज़ लाते हैं वो वहीं पे रख देते हैं या उठा लेते हैं. और तेल लगाया था वो बच्चे के, हम भी ऐसा करते हैं कि तेल लगाया तो उसको पकड़ के वहीं पे रख देते. मैंने उसको भी क्लीन किया. देन उसके बाद मैंने सोचा मुझे जाना था अथर्व के स्कूल में, तो तब तक मैं दाल बॉयल करके जाऊँ और वहाँ से आने के बाद सीधे दाल में लगाऊँगी तड़का और दाल मेरी फटाफट से बन जाएगी. तो मैंने फटाक से दाल को बॉयल करने के लिए रख दिया. और देखिए आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल और उसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक और जितने 2 टमाटो, 1 टमाटो जितना मैंने कट करा था उसको भी इसमें ऐड कर लिया. और इसका ढक्कन लगा के मैं इसको रख दूँगी बॉयल होने तक. और तब तक मैं जो मेरा और काम है वो भी कर लूँगी एंड उसके बाद मैं रेडी भी हो जाऊँगी, क्योंकि मीटिंग में जाना भी ज़रूरी है. और यही है कि घर का काम ना छोटा छोटा करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है. मैं जब भी सोचती हूँ कि मेरा काम ख़त्म हो गया, बट तब तक मेरा नेक्स्ट काम सामने खड़ा दिखता है मुझे. तो अभी अब दाल को करते हैं बॉइल.
घर का काम सारा हो चुका है और अभी बज रहे हैं 12 और हम अभी रेडी हो रखे हैं अथर्व को लेने के लिए, क्योंकि आज है अथर्व की पीटीएम एंड कल और परसों है इन लोगों का स्पेशल असेंबली फंक्शन जो स्कूल में चल रहा है, तो उसके लिए मैम ने यार ड्रेस जो इनको देनी थी उसको कलेक्ट करने के लिए मीटिंग बुलवाई थी या पेरेंट्स को बुलवाया हुआ है। तो अभी हम भी चलते हैं, सिरोज जी आने वाले हैं तो मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। वो आएंगे 12 बजे, क्योंकि टाइमिंग 12 बजे का ही है, आधे घंटे में सारी मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो रेडी होते हैं और जाते हैं अथर्व को लेने के लिए। और आज है आदि की भी छुट्टी, तो आदि भी हमारे साथ जा रहा है, क्योंकि आदि ने ना अभी तक अथर्व का स्कूल नहीं देखा हुआ है। तो आदि बोलता कि मैं भी आता हूँ, तो फिर मैं आदि को भी लेके चली गई। तो अब चलते हैं अथर्व के स्कूल, सीधे मिलते हैं आपसे वहीं। ओके बाय। तो लेके आ चुके थे हम अथर्व और आदि के स्कूल से, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बैठे हुए हैं स्कूटी में। और आदि भी स्कूल से आ चुका था, तो मैंने बोला कि चल अथर्व का स्कूल देख ले, क्योंकि ना दोनों अभी अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। आदि APS में पढ़ता है और अथर्व कैप्स में पढ़ता है। एक्चुअल में क्या है कि अथर्व अभी थोड़ा छोटा है, तो APS हमेशा 1 से ही होता है। तो रास्ते में हमको दिखाई दिया गन्ने का जूस वाला, तो फिर बच्चों ने बोला कि गन्ने का जूस पीना, तो हमने फिर उसको वहाँ पे गन्ने का जूस पिलाया। देन उसके बाद हम घर आ चुके थे। घर आने के बाद मैंने फटाफट से चावल बनाए, मम्मी के लिए रोटियाँ बनाई। देन लंच करने के बाद हमने किया रेस्ट और मैंने आदि को भी सुलाया, क्योंकि आदि का कल था फर्स्ट पेपर मैथ्स का। और होता ये है कि बच्चे, आपको पता ही है कि मेरे से ही पढ़ते हैं, ये नहीं कि पापा से पढ़े या और किसी से पढ़े। तो फिर मैं आदि को लग गई थी आज पढ़ाने। और जब भी मतलब ना बच्चों के पेपर होते हैं, सबसे अच्छी बात है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, कि मैं उस दिन शायद ही रोटी या सब्जी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ना मैं शाम के टाइम से फिर बच्चे को पकड़ के बैठ जाती हूँ और लगभग जब तक उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है हर चैप्टर का, मैं नहीं उठती हूँ। तो तभी मैंने सारे के सारे काम छोड़ दिए थे और मैं बैठ चुकी थी बेड में और मैंने आदि को अपने साथ बैठा लिया था। और बीच में अथर्व भी आ रहा था, बट ये है कि अथर्व अगर पढ़ने में बैठ जाए तो अथर्व का एक ही माइंड पर रहता है कि आप जता को पढ़ा रहे हो, आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हो, तो इस चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने बोला कि तुम्हें घूमो या तुम कुछ भी करो या टीवी देखो, बट अभी सिर्फ आज ददा पढ़ेगा, क्योंकि ददा का कल मैथ्स का पेपर है। और होता भी है, बच्चों के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली में मैथ्स में होता क्या है ना कि मेंटल मैथ्स कुछ ज़्यादा आती है और जो क्वेश्चंस बुक के होते हैं वो उतने नहीं, ज़्यादातर घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि आजकल कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो बच्चों को सब कुछ समझना चाहिए। और मतलब मेन बात तो क्या है ना, इनका बेस ख़राब कब होगी, कोरोना के चक्कर में लगभग 2 साल तक एक क्लास में ही रहे, जब इनका मतलब बेस सही होने का टाइम था। इन्होंने UKG फर्स्ट सेकंड इन्होंने ऐसे ही निकाल दी। तो उसके बाद थर्ड से तो ये स्कूल जाना स्टार्ट किया था आदि ने, क्योंकि थर्ड तक तो इसने ऑनलाइन क्लास पढ़ी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं, अब वो एक रिदम में आ चुका है अपने। तो आजकल समझने भी लग गया है इंग्लिश एंड पढ़ने भी लग गया है। सबसे बड़ी बात है कि ना क्वेश्चन समझने लग गया है। पिछले बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन उतने नहीं समझ पा रहा था, भले उसको आंसर आता था बट हमें कहना पड़ता था कि बेटा इसको तो ऐसे करना था, अरे मम्मा मुझे आता था, वो ये कहता था। बट इस बार ऐसा है कि वो क्वेश्चंस खुद पढ़ ले रहा है, खुद उसके आंसर सॉल्व कर ले रहा है। तो जो उसे समझ में नहीं आ रहा था या कुछ बहुत प्रॉपर्टीज़ थी जैसे क्यूब, तो मैं सब वही प्रॉपर्टीज़ उसको थोड़ा बहुत समझा रही थी कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, बाकी सब तो उसको आ ही रहता है। क्योंकि अभी जो सिलेबस है वो थोड़ा सा टफ भी है आज के टाइम पर बच्चों के लिए, और थोड़ा सा मैथ्स में क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो यही था कि आज का मेरा पूरा शाम का टाइम कि लगभग मुझे 10 बजे तक आदि को पढ़ाना है, क्योंकि मैंने इसको ना आज शाम को सुला दिया था। मैंने कहा तुम सो जाओ, और क्योंकि मैथ्स में पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और मैथ्स में लिखने वाले सब्जेक्ट में उतनी नींद नहीं आती है जितना हमें याद करने वाले सब्जेक्ट में आती है। तो इस चक्कर में फिर हम दोनों पढ़ने लग गए थे। एनसीलॉर जी ने बनाई थी सब्जी और मम्मी ने बनाई थी आज रोटी। और देखिए टाइम टाइम पर अथर्व भी आ रहा है। तो बच्चा सिर्फ एक तो मतलब मेरे से ही पैम्परिंग है और मेरे साथ ही पढ़ता है, तो फिर मुझे उसके संग बैठना पड़ता है। जैसे कि अब आगे कोई भी पेपर आएंगे तो हमारा लगभग यही रहेगा कि मैं ही उसके साथ रहूँगी या मैं ही उसको पढ़ाऊँगी। और वो पता है मेरी बात एक प्रति मतलब एकदम समझ जाता है। और इस चक्कर में होता ही है कि हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन है और पूरे साल की कमाई है बच्चों की, तो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा इस टाइम पर बच्चों के लिए। तो अब देखिए खाना तो बन चुका था, बट मेरा ये था कि जब तक ये पढ़े ना पूरा, इसका सिलेबस कंप्लीट ना हो, तब तक मैं कुछ भी इसको यहाँ से उठने ना दूँ, तभी मैं इसको यहाँ पे पढ़ाने में ही लगी हुई थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिरोज जी अथर्व के लिए बना के लाए थे दवाई। एक्चुअल में क्या था ना, अथर्व को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, 2-3 दिन से ठीक हो चुका था, फिर अभी और स्टार्ट हो गई, क्योंकि ना कहना नहीं मानता। जब भी जाता है मतलब किचन में जाएगा या वॉशरूम जाएगा तो हाथ धोना, पूरे अपने कपड़े भिगा लेना, तो इस वजह से ना इसको बहुत जल्दी ठंडा पकड़ जाता है। तो हमने इसके लिए बनाई थी घरेलू दवाई, तो जिसमें हमने ना शहद को थोड़ा सा गर्म किया था, उसमें हमने मिक्स किया था अदरक का रस और क्या बोलते हैं उसको मिर्च,
तो दोनों को ऐड करके थोड़ा पका के फिर हम इसको खिलाते हैं, जिससे क्या होता है इसकी खांसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और लगातार 2-3 दिन खिलाओ ना तो ऑटोमेटिक खांसी अच्छी हो जाती है। तो ये देखो खाने लग गया है दवाई। देन उसके बाद आज था गब्बू का 4th मंथ बर्थडे, तो हम चले गए थे फिर उसके घर में, और वहाँ पे देखो सबके सब गब्बू को एकदम पकड़ रहे हैं, कोई पिक्चर खींच रहा है या कोई वीडियोस बना रहा है, मतलब हर मंथ के उसके केक कटे हुए, और हमारे लिए भी अच्छा हो रहा है, हमें भी केक खाने का मौका मिल जा रहा है, आप देख सकते हो। अच्छा थोड़ा सा गुस्सा है तो अब सबसे पहले काट लेते हैं गब्बू का केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गब्बू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक कटिंग हो चुकी है एंड अपना ब्लॉग मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ, घर जाके करते हैं अब डिनर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार मेरे वीडियो में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।